वाले हम लोग परकुलेटर्स के बारे में। तो परकुलेटर्स जनरली होता है क्या, कुछ इस तरह से दिखना है, दिखना दिखा जाता है परकुलेटर, इसको बोलते हैं। क्या काम करता है, क्या है, किस तरह से क्लीन किया जाता है, सब हम लोग इस लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये परकुलेटर्स हैं जनरली। तो यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते इसके कुछ डिस्क्रिप्शन में। तो परकुलेटर का सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि ये कोनिकल शेप का होता है इंस्ट्रूमेंट है, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होगा। एक कोनिकल शेप्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, और ये इसके दो पार्ट्स हैं। एक है परकुलेटर प्रेपर, एक है रिसीवर। एक रिसीवर है जहाँ से रिसीव करते हैं सारी चीज़ों को, एक तो है परकुलेटर प्रेपर, जो इम्पोर्टेंट जहाँ पर ये काम करते हैं। तो इसके अगर परकुलेटर प्रेपर के बारे में बताया जाए, तो इट हैज़ ए टू पार्ट्स। इसके अगेन टू पार्ट्स है, हेड एंड नेक। हेड है और क्या है, नेक है। द नेक एंड्स इन टू है स्टॉप कॉक। एंड जो नेक है वो कहाँ पर ख़त्म होता है, स्टॉप कॉक के पास होता है, जहाँ पर एक वेल्व होता है, विच इज़ ओपन टू इंश्योर द फ्लो ऑफ मदर टिंचर फ्रॉम द परकुलेटर टू द रिसीवर। तो वो जो वेल्व होता है वो काम करता है, जो स्टॉपिक के पास में रहता है, वो काम करता है कि जो मदर टिंचर है वो परकुलेटर से रिसीवर तक पहुँच रहा है कि नहीं। द हेड ऑफ द परकुलेटर इज क्लोज्ड विथ ए रिमूवल लीड। तो हम लोग हेड को फिर परकुलेटर का जो है उसको हम लोग रिमूवल लीड से क्लोज कर सकते हैं। द होल इंस्ट्रूमेंट इज सपोर्ट विथ ए स्टैंड। पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टैंड से सपोर्ट करवाते हैं। देखो कुछ इस तरह से स्टैंड में ये सपोर्ट किया गया है इस तरह से, इसको हम लोग स्टॉप कॉक बोलते हैं। स्टैंड है यहाँ पर, ये कॉटन प्लग लगा हुआ है, फिल्टर पेपर यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पर वो लाइमस्टोन सैंड्स का लेयर है। उसके बाद ये थोड़ा कम यहाँ पर लेयर है, फिल्टर पेपर यहाँ लगा हुआ है, और लेयर ऑफ सैंड है यहाँ पर, और मैग्मा ऑफ ड्रग सब्सटेंस का मैग्मा है यहाँ पर, और व्हीकल्स ऑफ मेलस्ट्रॉम, ये सब ऊपर में होते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। तो स्टैंड से इसको मतलब ये रखा जाता है। नेक्स्ट है कि द परकुलेटर इज रिमूव्ड लीड। परकुलेटर का क्लोज है और रिमूवल अगर लीड कर दिया जाए, हटा दिया जाए, मतलब लीड रिमूव कर दिया जाए, तो द होल इंस्ट्रूमेंट इज सपोर्ट विथ ए स्टैंड। इन साइड द परकुलेटर देयर इज ए परकुलेटर बेड और टू विच इज अरेंज टू हेल्प इन परकुलेशन। तो यहाँ पर परकुलेटर में दो या तीन बेड्स होंगे, जिसमें जो है परकुलेटर बेड बोला गया, जिसमें जो है वो लोग मतलब परकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है परकुलेशन बेड एंड लॉन्ग। और परकुलेटर जो बेड होता है ये एक लेयर्स है जो कि अरेंज रहता है, जिसपे बिलो अपवर्ड्स एंड हेल्प इन परकुलेशन, जो कि हेल्प करता है परकुलेशंस में। तो इसमें कॉटन प्लग ऑफ द नेक ऑफ द परकुलेटर है, फिल्टर पेपर है, 1/4 इंच ऑफ लेयर ऑफ फाइन कोर्स सैंड है, 1/2 इंच ऑफ लेयर ऑफ मीडियम कोर्स सैंड है, और 1/4 इंच लेयर ऑफ कोर्स सैंड है, और फिल्टर पेपर है। उसके बाद मैग्मा और ड्रग सब्सटेंस है, मैग्मा और ड्रग सब्सटेंस है, और उसके बाद व्हीकल्स और मिनस्ट्रम है। इसका यूज़ क्या होता है, तो इसका यूज़ प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर के लिए यूज़ होता है, फ्रॉम एनी सॉफ्ट नॉन म्यूसिलिजनस नॉन ग्रीमसी ड्रग सब्सटेंस बाय द मेथड ऑफ परकुलेशन। तो यहाँ इसमें क्या होता है, जनरली मदर टिंचर बनाने की प्रोसेस को हम लोग देखते हैं, जिसमें ये म्यूसिलिजस नॉन गमी या ड्रग सब्सटेंस जो लेना वो देना है, मतलब जो ड्रग सब्सटेंस जो होता है वो इसी से ही बनता है। इसको अगर क्लीनिंग की बात की जाए तो क्लीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब वही है, पुराना वाला बकेट फुल वाटर से उसमें सोक करो, ठंडे पानी से धो हार्ड ब्रश, उसके बाद हॉट पानी सॉफ्ट ब्रश, वाटर से प्यूरीफाई, वाटर से प्यूरीफाई कर लो, और उसके बाद ये अल्कोहल से धो लो। तो इस तरह से ये काम करता है।